मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र के पीर का बाजार में अचानक दर्जन भर झुग्गियों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में झुग्गी राख में तब्दील हो गई। इस दौरान सिलेंडर फटने से आग और भड़क गई, जहां झुग्गियों में पड़ा सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस आग की लपेटों ने आसपास के घरों तक पहुंच गई है, जहां पड़ोसी घरों में रखा सामान, कपड़े और दरवाजे सहित बिजली के मीटर भी राख हो गए। तंग गली में झुग्गी में लगी आग बुझाने में स्थानीय लोगों ने प्रयास शुरू किया और अपने छतों पर से पानी डालना शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग ने एक दर्जन से अधिक परिवारों के सिर से छत छीन ली थी। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पर पश्चिमी बंगाल से आए हुए खानाबदोश परिवार रह रहे थे, उन्हीं की झोपड़ियों से आग लगी है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। आग लगी तो लोगों ने पानी इसमें डाला जाएगा, जब ये आग लगी तो तमाम पड़ोसा भी हमारे घर में तमाम आग लग गई। फायर ग्रेड को सूचना दी थी आग बुझाने की, मामा नंबर ही नहीं था, जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी यहाँ तक आ भी नहीं पाती, यहाँ आते भी ना, वहाँ से बाजार में रुक गया था। सिलेंडर देने के छोटे वाले वो भट रहा है, छोटे सिलेंडर वो आग में जाएगा, भट भट होगा। कोई आग में जलता तो नहीं है? ना जलता कोई ना, कोई नहीं था इसमें, खाली था। कौन लोग रहते हैं? छोटी थी वो, बच्चों थी। कितने लोग रहते, कौन थे? ये कम था, 10-15 जने लोग रह रहे हैं। बंगाली लोग हैं, बंगाली बंगाली लोग मांगने चले यहाँ, ये सुबह या 5 बजे उठ जाए। बहुत दिनों से कह रहा है हम इनसे कि परेशान है, हम इनसे बहुत ज्यादा इतना परेशान करते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, चीखते हैं सुबह को, लड़ते हैं और बहुत बुरी तरीके से करते हैं। कौन लोग हैं ये? ये बंगाल के लोग रह रहे हैं, इन्हों जिनकी ये जमीन है उनसे हमने कई दफा शिकायत करी, वो ना हटा रहे हैं। किनकी जमीन है ये? हमें उनका नाम तो नहीं पता मुझे, मैं बता दूंगी आपको। हाँ। लेकिन जिनकी ये जमीन है कसाईया सलतपुर में रहती हूँ। अच्छा। हाँ, उनसे बहुत दिनों से परेशान है हम। तो यहाँ पे कौन लोग रह रहे थे? यहाँ पे बंगाली रह रहा है, झुग्गी डली हुई थी। तो क्या करते हैं ये लोग? ये बांधने वाले। हाँ। और थक गए हम कहते कहते, और अब देखो हमारा कितना नुकसान कर तो रहा है। आपके घर पे कितना नुकसान हुआ, क्या क्या जल गया? लग जाती मेरा पर भी, मैंने बताया चीजें बताओ, सब जल गए। तो आगे लगी क्या, कुछ ब्लास्ट भी हुआ है? दोनों मीटरों में आग लग गई, हमारे कितना नुकसान हुआ, हमारा लाइट का। जब आग लगी क्या कुछ ब्लास्ट भी हुआ है? ब्लास्ट हाँ हुआ, 16 सिलेंडर फटा। कितने सिलेंडर फटे हुए अंदर? इसमें एक सिलेंडर फटा, जब आग लगी जब देखा हमने। सिलेंडर तो चार पाँच रखे हैं। तो बहुत लोग रह रहे हैं ना इसमें। कितने परिवार होंगे इसमें? इसमें 12 परिवार हैं। 12 परिवार किराए पे रह रहे थे? हाँ, सब किराए पे रह रहे हैं। झुग्गी डाल के? हाँ, झुग्गी डाल के। और इनसे बहुत दिनों से कह रहा है हम प्यार से कि इनसे खाली करवा के अपनी जगह में तुम कमरे बनवा के किराएदार रख दो, मगर ये बाज नहीं आ रहा है। हर दफा में कहते चली जाएंगे ना, हमने हटा रहा, हमने हटा रहा, और हमसे मजदूरी कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? गुलशन। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।